मेरा ये वाला नाक बंद है, इस साइड वाला। आई हैव एन इंटरव्यू टुडे और मेरे को अभी तैयार होने का है। मैंने रात को कल बाल धोए थे और अभी हालत काफी खराब है। लास्ट नो आई थिंक मेरे लास्ट वीडियो, अच्छा हाँ आई थिंक मेरे लास्ट वीडियो में मैं अपना थोड़ा स्किन केयर करी थी, तो दो लोगों ने बोला कि अपना स्किन केयर रूटीन दिखाओ, तो ये वीडियो उन दो लोगों के लिए, बाकी सब मत देखना। ओके सो लेट्स गेट रेडी। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, हाय। मेरे बाल नेचुरली वेवी हैं, तो मैं थोड़ा मैं सोच रही हूँ बन बनाने का आज, क्योंकि आज मैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही हूँ और अभी मुझे थोड़ा कंघी करके स्ट्रेट करने पड़ेंगे, बट पहले मुझे कुछ खाना है। ओके राजू खेरा मुझे कौन सा, हाँ उसको भी कुछ खाना है। सी यू लेटर। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फिर हम इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। ओके जल्दी जल्दी तो करेंगे, बट मेरा लिप बाम कहाँ गया? मैं कभी ट्राई, मैं अगर मुझे याद रहता है तो मैं लिपस्टिक से पहले तो कुछ टाइम पहले लिप बाम लगा के रख देती हूँ, ताकि लिपस्टिक जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो आई विल स्टार्ट विद टोनर। ये मेरे को दो महीने के आसपास हो गए लिए हुए, एंड मेरा रूटीन वही रहता है। मैं जैसे चार पांच चीज़ें वो यूज़ करती हूँ, ऑल्दो मैं प्रोडक्ट चेंज कर लेती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने इससे पहले मैं हिमालय का टोनर यूज़ करी थी, और उससे पहले मैं आई थिंक बायोटिक प्रोनाउंस करता है ना वो, थोड़ा हवा आने दो। इससे पहले मैंने मुंह धोया, ऑफकोर्स मैंने फेस वॉश कौन सा, हाँ सेटाफिल, मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे फेस पे सूट कर रहा है, तो फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मेरा सीरम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये सीरम यूज़ करती हूँ, ये भी ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं ट्राई सोच रही हूँ कुछ और सीरम ट्राई करूँ। मैं जो जो भी लगाते जाती हूँ वो गर्दन पे भी लगा लेती हूँ। ये माता जी हमेशा कहती थी कि ऐसे ऊपर को मुंह पहुँचना है तो करो, क्रीम भी ऊपर को लगाओ, सब कुछ ऊपर ऊपर को। फिर जब इसके बाद सीरम यूज़ करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है। मेरे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, फेस ठीक रहता है, हाथ पता नहीं। एक तो आई थिंक अभी लास्ट दो साल जैसे मैं कोविड के वजह से जब हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं बार बार, उस वजह से भी आई थिंक हाथ बहुत ड्राई हो जाते थे। और लद्दाख में वैसे भी मेरा हाथ बहुत ड्राई हो जाता है, तो फिर दिन में तो हम वैसे भी हाथ बार बार धोते हैं, तो फिर मॉइस्चराइज़र निकल जाता, तो मैं रात को ज़्यादा लगा के सो जाती हूँ। मॉइस्चराइज़र रात को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को कि मॉइस्चराइज़र लगाने का, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लग गया, इससे पहले भी मैं यही लगा रही थी, वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैं ये लाई हूँ, जो नया लाई हूँ मैंने बहुत ज़ोर से ही निकाल दिया, उसका ऊपर का जो पिचक पिचक वाला एरिया होता है वो निकल गया, उसको ध्यान से निकालना पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। यहाँ टैनिंग तो होता ही है और सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। 2020 में हम स्विमिंग गए थे, तो मैंने मुंह पे सनस्क्रीन लगा लिया था और हाथों में भी, बट मैंने स्पोर्ट्स ब्रा डाल रखा था, तो मेरा पीछे का बैग ऐसे ओहो, जब मैं शाम को वापस आई लाल हो गया था वो, लाल भी नहीं पता अजीब ही कलर सनबर्न से। तो यहाँ पे सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगा था इसका कलर आएगा, बट इसका कलर भी आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा ही लगाऊँ क्योंकि ये ज़्यादा ही गुलाबी हो जाता है। मेरा इंटरव्यू है, तो फिर मैं मेकअप करूँगी, तो इसलिए
अभी अपन लगाएंगे प्राइमर और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे फेस स्मूथ हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैंने ये फाउंडेशन लिया, उस लड़की ने मुझे बोला कि मैम ये थोड़ा डार्क लग रहा है देखने में बट फेस पे जाता है तो ये ब्लेंड हो जाता है। और मैं वैसे लोगों की बातों में आते नहीं, बट मैंने सोचा ठीक है वो झूठ क्यों ही बोलेगी। और इस पर लिखा था, कहाँ गया, जब मैंने डब्बा था इसका जो पैकेज था उस पर शायद लिखा था नेचुरल या कुछ कुछ, तो मेरे को वो कलर ठीक चल जाता है। तो फिर मेरी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि शायद ये थोड़ा डार्क है, तो अब मैं कभी कभी मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है अभी मैंने किया नहीं, शायद मैं रिस्क ले रही हूँ लगा के, बट लेट्स सी अगर ये डार्क लगता है तो फिर मैं इसके ऊपर अपना बीबी क्रीम मिक्स कर दूँगी। मेरे आईब्रोज काफ़ी लाइट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने आईब्रोज की शेपिंग आज तक नहीं करवाई क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा है कि शेपिंग कराओ। दूसरा, दिस इज़ माई बीबी क्रीम, ये मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ एंड इसमें शायद, बट प्रॉब्लम है कि इसमें शेड दो ही है शायद, आई गेस ठीक है क्या ही कर सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छा मेकअप सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में। मेरा मन था पहले आईलाइनर लगाने का बट आईलाइनर एंड मौके पे धोखा दे देते हैं। मैंने चश्मा नहीं डाला था, मुझे दिख नहीं रहा कि दिख रहा है कि नहीं तुम्हें। ओके हाँ बहन, किसी को नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये काफ़ी डार्क ना लगे, प्रे करना सब। मैंने लगाया है, ना के बराबर है। मेरे आईलैशेस काफ़ी शॉर्ट हैं बट ओ जस्ट लाइक मी। मैंने कल ही बाल धोए हैं तो बाल बहुत उड़ रहे हैं, तो मैंने इस पे थोड़ा जेल लगाया हाथों में, और मैं जेल लगा के थोड़ा ब्रश से फेर देती हूँ जेल ऐसे ताकि उड़े ना। I am ready. हाय, मैं तैयार हो गई थी बट मैं अपना पूरा आउटफिट दिखाना भूल गई और फोटोज़ लेना भूल गई। फिर मैं घर आने के बाद शाम को वापस मैंने फिर से वही कपड़े पहने और फिर मैंने ये शूट किया। थैंक यू सो मच। मैंने कपड़े फिर से पहने, मैंने अपना सारा आउटफिट फिर से पहने फॉर ऑल दी नॉन लद्दाखीज़ आउट देयर। ये लद्दाखी ड्रेस है, वी कॉल इट कोस, एंड जो ये मैंने वेस्ट पे पहना है इसको बोलते हैं स्किराक, इसको बोलते हैं टिलन, और नीचे मैंने सिंपल जैसे हम सलवार पहनते हैं सूट के साथ सलवार पहनी है, एंड इयररिंग्स, हील्स, या सो कोस, स्केराक, टिलन एंड देन सलवार। मैंने काफ़ी बार सीखा स्केराक पहनना और मैं हर बार भूल जाती हूँ कि इसको प्रॉपरली कैसे टाई करते हैं। वहाँ जाजूस होता है, मैंने वीडियो ऐसे इसलिए लिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मेरा पूरा ड्रेस नहीं दिख रहा था, सो दैट्स व्हाई। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया एंड आई होप वो लोग सैटरडे को, अभी जो आने वाला सैटरडे उस दिन पब्लिश करेंगे। जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उनका यूट्यूब चैनल का नाम है हिमालयन लगून, अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरी वन, बाय बाय।